अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयाम मोबाइल। और आज हम आपके लिए लाए हैं वीवो ट्वेंटी सोलह, एक न्यू मॉडल जो वीवो ट्वेंटी की तरफ से आया है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में, इसके बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके कंपटीटर्स के बारे में बात करेंगे, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको मुकम्मल रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। क्यों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ, वीडियो में शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास वीवो का न्यू 16 का बॉक्स। बॉक्स की बात करते हैं तो ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का मोबाइल बना हुआ है। ऊपर वीवो का न्यू 16 मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, SSH की वारंटी में आता है ये। ऊपर की साइड की बात की जाए, वीवो का न्यू 16 मेंशन है, PTA का स्टिकर लगा हुआ है। साइड की बात की जाए तो वीवो का न्यू 16 मेंशन है, बाकी इसके वेबसाइट मेंशन है। दूसरी साइड की बात करते हैं तो दूसरी साइड पर भी आपको वीवो का न्यू 16 लिखा हुआ मिलेगा, वीगोटेल की सीट लगी हुई है। नीचे की साइड की बात की जाए तो आपको vigotel.com वगैरह मिल जाएगा। बैक साइड की बात की जाए तो आपको इसको स्पेक्स मेंशन किए गए मिलेंगे। 6.5 इंच HD IPS वाटरप्रूफ 98 वाला डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें आपको 4 GB रैम मिल जाएगा और 64 GB रोम मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। मीडिया टेक का G36 मिल जाएगा जो कि 2.3 GHz के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आपको 13 MP का कैमरा वगैरह मिल जाएगा। इसके तमाम स्पेक्स मेरे में बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, इसके लुक्स वगैरह के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या न्यू आया है इसमें। Note 23 की कामयाब सेल के बाद इसके रेपर को अगर आपको SSH टेलीकॉम की ब्रांडिंग मिलेगी, वीवो टेल का वारंटी कार्ड बैक साइड पर लगा हुआ है। इसके रेपर को हटाएंगे, दो कंपनी की सेल है आपको इसके बैक साइड पर मिलेंगे, इसको काटेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें डिवाइस मिल जाएगी, वारंटी कार्ड पर इसके नज़र रहेंगे बैक साइड पर। इसके वीवो टेल वारंटी कार्ड के साथ इसके ऊपर एड्रेस वगैरह इसके मेंशन किए गए हैं सर्विस सेंटर के। डिवाइस को साइड पे करेंगे और इसके बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या इंक्लूड मिलेगा। कुछ पेपर वर्क मिलेगा, सबसे पहले इसमें आपको एक सिलिकॉन केस मिल जाएगा। इसके केस की बात करते हैं तो ये आपको एक ट्रांसपेरेंस केस मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें सिम इजेक्शन टूल मिल जाएगा आपको। केस की बात करते हैं तो ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा, एक प्रीमियम क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा इसका। इसके बाद बात करते हैं तो बॉक्स में आपको फर्दर इन द बॉक्स कुछ पेपर वर्क मिलेगा, इसके यूज़र मेन्स और वीगोटेल वगैरह के पूरी बुक मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको इसमें PTA का तस्दीकशुदा का स्टिकर मिल जाएगा। एक्सेसरीज की बात करते हैं तो बॉक्स में आपको एक चार्जिंग डॉक मिल जाएगा कि 10 वोल्ट का इसका चार्जर है। चार्जिंग डॉक की बात करते हैं तो एक राउंड शेप में इसका चार्जिंग डॉक मिला है जिसके ऊपर वीगोटेल मेंशन है। इसको साइड पर करेंगे और इसके बाद इस बॉक्स में आपको एक हैंड फ्री मिल जाएगी जो कि 3.5 mm जैक वाली बफर वाली एक हैंड फ्री मिलेगी। वीगोटेल का SPB टैग लगा हुआ है, एक प्रीमियम क्वालिटी की एंट्री है। साइड बगाएंगे इसको, इसके बाद इसमें आपको USB टाइप सी की केबल मिल जाएगी जो कि USB A टू USB टाइप सी वाली केबल है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल मिल जाएगी आपको टाइप सी वाली। इन सब चीज़ों को साइड बगाएंगे और डिवाइस की तरफ चलेंगे, डिवाइस को अनरैप करेंगे। डिवाइस का रैपर हटाने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर वीवो का न्यू 16 और सारे स्पेक्स मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आपको 5000 mAh वगैरह और ये की स्पेक्स इसके लिखे हुए हैं। साइड की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम रोकर मिल जाएंगे। नीचे की साइड पर आपको 3.5 mm जैक टाइप सी, इसके अलावा स्पीकर्स मिल जाएंगे। दूसरी साइड की बात करते हैं तो आपको सिम जैक मिल जाएगा। सिम जैक को इसका निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें दो सिम और इनमें और कार्ड एक साथ लगता है क्या नहीं। इसमें आपको एक फुल साइज का जैक मिल जाएगा जिसमें आपको दो सिम अलग अलग लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसको वापसी लगाएंगे, डिवाइस का स्टिकर हटाएंगे और इसको ऑन करेंगे। बैक साइड की बात करते हैं तो आपको 3 कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो 13 MP का कैमरा है। वीवो टेल का लोगो बना हुआ है, ब्लू कलर है ये हमारे पास। इसको ऑन करते हैं और इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद आपसे बात करेंगे इसके फंक्शन वगैरह के बारे में। जब तक ये सेटअप होता है इसके प्राइस टैग के बारे में बात कर लेते हैं तो ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में 18,500 रुपये की रेंज में मिल जाता है, जिसमें आपको G36 एक गेमिंग चिपसेट मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको IPS LCD मिल जाएगी जो कि इस रेंज में आपको काफ़ी
अच्छा रिजल्ट आराम करेगी जी। 36 टेरास, आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं 4+4 GB रैम के साथ। तो ये आपके लिए पबजी वगैरह के लिए, ये HD ग्राफिक में आपका पबजी चला लेगा। इसके अलावा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, फुल HD स्क्रीन है। इसके ब्राइटनेस को फुल करेंगे और इसके सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। सेटिंग में चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिस्प्ले वगैरह के बारे में और इसके स्पेशल फंक्शंस के बारे में। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो आपको नाइट लाइट वगैरह और एडेप्टिव ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो स्पेशल फंक्शंस में आपको रैम एक्सपेंशन मिल जाएगी, इसके अलावा ऐप क्लोन मिल जाएगा। आप इसमें किसी भी सोशल एप्लीकेशन का जो है ना ऐप क्लोन बना सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी एक्सटेंशन की बात की जाए, तो आप इसमें 4+4 GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसके डायनामिक पोर्ट की, वीवोडेल कंपनी ने इसको डायनामिक कैप्सूल का नाम दिया गया है, जिसमें आपको ये सारे फंक्शन जो है इसमें काम करते हुए दिखेंगे, जिसमें से ब्लूटूथ वगैरह, इसकी चार्जिंग, सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या में ये काम करेगा इसका डायनामिक कैप्सूल। बात करते हैं तो इसके ये रिंगिंग में काम करेगा, मतलब उसको साइलेंट करेंगे तो इस पर आएगा। इसके म्यूज़िक प्लेयर पर इसका काम करेगा, इसकी चार्जिंग पर ये काम करेगा, इसके अलावा इसके ब्लूटूथ वगैरह पर भी ये काम करेगा डायनामिक कैप्सूल। इसको अगर आप यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो ये इन सब चीज़ों पर काम करेगा। तो बात करेंगे इसके बारे में, अभी इसके कैमराज वगैरह के बारे में बात करेंगे। विडगेट्स की बात की जाए, तो आपको इसमें विडगेट्स भी सारे मिल जाएंगे। कैमरा वगैरह में बात करेंगे, कैमरा की तरफ चलेंगे, इसमें आपको 13 MP का कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो आपको 5 MP का इसमें कैमरा मिलेगा। बैक कैमरा पर इसमें आप HDR फोटोज और HDR वीडियोज बना सकते हैं। AI कैमरा है, इसमें काफ़ी सारे मोड मिल जाएंगे आपको, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैं कुछ सैंपल की तस्वीरें आपको दिखा दूंगा। इसमें मोड्स की बात की जाए, तो आपको इसमें फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, जिप मोड मिल जाएगा, फिल्म मोड मिल जाएगा, इसके अलावा प्रो मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स और इंटेलिजेंस स्कैनिंग मिल जाएगी। पोर्ट्रेट की बात करते हैं, इसमें हम एक तस्वीर लेंगे और इसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, इसका पोर्ट्रेट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको चेक करते हैं कि एक और तस्वीर लेंगे इसका, तो आपको दिखाता चलूँ। ये कीस पड़ी हुई है हमारे पास ग्रेस के ऊपर, इसका रिजल्ट कैसा आता है मैं आपको दिखाता चलूँगा। पोर्ट्रेट इसमें काम करता है या नहीं करता ये भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, यहाँ कीस बिल्कुल साफ नज़र आ रही है और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लर हुआ हुआ है, काफ़ी रिजल्ट अच्छा है। इसके न्यू 16 के बॉक्स को भी आप देख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इसके रेजोल्यूशन की बात कर सकते हैं, तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेन फोटो मोड मिल जाएगा, इसमें आपको जूम का ऑप्शन भी मिल जाएगा दोनों फोटो मोड और वीडियो मोड में, जो कि एक साइड पर है, और एक सेक इसमें आपको जूम मिलेगा। मैं इसको आपको दिखाता चलूँ, और एक सेक आप दोनों चीज़ों में, वीडियो और फोटो में आप जूम कर सकते हैं। रिजल्ट काफ़ी इस फ़ोन का अच्छा है प्राइस टैग के हिसाब से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो न्यू 16, वीवोटेल न्यू 16 के मुताबिक। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।